फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टाइगर्स। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है, क्या होता है कि लोग जो है वो डाइट फॉलो कर रहे हैं, खाना पीना उनका ठीक है, बट फिर भी जो है उनके चेहरे के ऊपर जो झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, वो नहीं जा रही है। तो उसका एक कारण आप अपने आप से पूछिए कि कहीं आपका वो कारण आपका हार्ट बर्न तो नहीं है, जो एसिड तो नहीं बनता है, एसिड रिफ्लेक्सेस तो नहीं होते हैं, GERD की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपको और साथ में अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो, तो लाजमी ये बंद हो जाता है कि आपके जो स्किन के जो दाग धब्बे हैं वो नहीं ठीक हो रहे हैं। क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? क्योंकि जो आप चीजें खा रहे हैं वो तो आपके पेट में सड़ रही हैं, ठीक है ना। जो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो बेनिफिट तो मिल ही नहीं रहा, वो सड़ जाती है, सड़ गल के आपकी जो बॉडी में से वो एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको बाहर निकाल देता है, और जिस बेनिफिट के लिए आप खा रहे हो वो बेनिफिट ही नहीं मिलता है। तो कई बार होता है कि वही डाइट लेने से कुछ लोगों को बेनिफिट हो जाता है बट कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं होता है, जो स्किन है उनकी और भी वर्स होने लग जाती है। तो वो सारी चीजों को आज हम इस जो वीडियो है उसमें मैं सॉल्व करूंगी और उसको उसके आपको कारण भी बताऊंगी क्यों ऐसा होता है, किस कारण से इस तरह होता है, और जो नेचुरल ट्रीटमेंट है, नेचुरल रेमेडी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखना, तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जो सबसे पहला कारण होता है कि आपकी जो है बहुत ज्यादा गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो जाती है। अगर आप रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल अगर आप खा लेते हो तो आपको बड़े गंदे गंदे से जो है वो डकार आने लग जाते हैं, पेट फूल जाता है और आपको ऐसे लगता है ये क्या मैंने खा लिया यार, क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा। तो ये सारी चीजें आपके जो है आपको जरूर से दिमाग में आती होंगी। तो उसका कारण है आपके जो स्टमक है, आपके जो स्टमक में जो एसिड बनता है, वो एसिड क्या होता है, वो एसिड स्ट्रांग होना चाहिए। जब वो एसिड आपका वीक हो जाता है तो आपके जो पेट में वो चीजें जो खाना है वो सड़ने लग जाता है। इसका मतलब इसको कहेंगे आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो गया। जिस तरह आप दूध, दही, कुछ भी ऐसी चीजें भी लेते हो तो वो भी क्या होती है, वो प्रोटीन जो होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है आपकी। तो वो प्रोटीन भी जो आप ले रहे हैं, वो प्रोटीन जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, वो प्रोटीन भी जो है वो सड़ गल कर बाहर निकल जाती है। आप ड्राई फ्रूट ले रहे हो वो भी सड़ गल कर बाहर निकल रहे हैं, तो किस तरह से फायदा होगा, क्योंकि आपका जो स्टमक का एसिड है वो वीक हो गया। उस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो है कि कारण हम जान लेते हैं, जो लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं या जिन लोगों को अल्कोहल, शराब पीने की आदत है, तो वहां पे उनका जो है स्टमक का जो एसिड है वो वीक हो जाता है। दूसरी चीज होती है, कई लोगों को ना च्विंगम जो है चबाने की बड़ी आदत होती है, तो च्विंगम वो चबाते रहते हैं, तो च्विंगम भी एक लिमिट तक चबानी चाहिए। अगर आप च्विंगम को ज्यादा चबाते हो तो उससे भी जो आपके पेट के ऊपर असर पड़ता है, तो आपका जो पेट है उसमें जो एसिड बनता है वो वीक होना शुरू हो जाता है, अगर आपको च्युइंगम बहुत खाने की आदत है। अब जो नेक्स्ट कारण आता है वो आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस में रहते हो, एंग्जाइटी में रहते हो, या बहुत ज्यादा जब हमें खुशी होती है, एक्साइटमेंट बहुत होती है किसी भी चीज की, तो उसमें भी क्या होता है, जो आपका ब्रेन है वो कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करता है जिससे आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है। देखा होगा आपने कि कई बार आप देखते हो जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो आपके पेट में से गुड़गुड़ आवाज आने लग जाती है, आपको एकदम से प्रेशर बन जाता है और आप बाथरूम में भाग जाते हो, तो वही कारण है। तो वो ज्यादा एक्साइटमेंट होने की वजह से, बहुत ज्यादा जब एक्साइटमेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तब भी आपका जो पेट का एक जो pH बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है, कारण आता है जो लोग ब्लड थिनिंग की मेडिसिन खाते हैं, या जिस तरह से एस्पिरिन जो है, ठीक है ना, वो रेगुलरली लेते हैं, या जिनको जिस तरह से कुछ थोड़ा सा भी सिर दर्द हो गया, कुछ भी हो गया, वो एंटीपायरेटिक मेडिसिन झट से ले लेते हैं, तो उनकी जो है वो पेट में प्रॉब्लम आती है, उनका जो स्टमक है उसकी लाइनिंग जो है वो वीक होने लग जाती है, स्टमक का जो एसिड है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये जो कारण है, ये मैंने जो कुछ कारण आपको बताए हैं, इन चीजों की इसके अंडर अगर आप आते हो तो आपको पहले इन कारणों को जो है वो ठीक करना होगा अपने। और जो लोग जिस तरह एंटासिड्स हैं, एंटासिड्स लेते हैं, ओमीपेराजोल लेते हैं, जो जो एंटासिड आपके जो
आपको लगता है मेरे को खट्टी डकारे आ रही है, एक इजी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, खट्टी डकारे आती है पेट में, आप बोलते हो मेरा एसिड बहुत बन गया है, मेरे को कुछ भी पच नहीं रहा। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये हो रहा है। वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए आपको साथ में एंटीबायोटिक्स लिख देता है, साथ में आपको एंटासिड लिख देते हैं, साथ में आपको ओमीपैराजोल लिख दिया, ठीक है ना, रेबीपैराजोल लिख दिया, जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर होते हैं। तो आप वो लेने लग जाते हो, आप जब लेते हो तो आपको बहुत ही रिलैक्सेशन फील होती है, बट वो रिलैक्सेशन जो फील होती है आपने कभी सोचा उसका साइड इफेक्ट क्या है? क्योंकि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, जो डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं एच पाइलोरी बैक्टीरिया इसका कारण है, बट एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है कहीं हद तक है उसका कारण, बट वो तो जो नॉर्मल इंसान है, जो हेल्दी इंसान है उसमें भी होता है, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं कुछ रोल है। तो ये जो चीज है ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाई है कि उसके कारण ये होता है, बट डॉक्टर इसको मानकर चलते हैं कि उसके कारण हो रहा है, तो आपको वो मेडिसिन दी जाती है। तो उससे क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स आपको दिए जाते हैं वो आपको, एंटीबायोटिक को नहीं पता कि आपके गुड बैक्टीरियाज के ऊपर काम करना है कि बैड बैक्टीरियाज के ऊपर काम करना है, वो जाके दोनों बैक्टीरियाज के ऊपर काम करता है, आपके गुड बैक्टीरियाज को भी डिस्ट्रॉय करता है, आपके बैड बैक्टीरियाज को भी डिस्ट्रॉय करता है। जो आप एंटासिड ले रहे हो, जेल्यूसल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, यहाँ पे वैसे मुझे दवाइयों के नाम नहीं लेने चाहिए, आप अगर वो चीजें ले रहे हो, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, आपका जो स्टमक का एसिड है वो वीक होना शुरू हो जाता है, तो उससे आप जो है ना वो दवाइयों के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, वो दवाइयां जो है आपको अपने शिकंजे में कस लेती हैं, तो वो दवाइयां खाने के बिना आपका जो माइंड है वो रिलैक्स ही नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आप उस दवाइयों के चुंगल में फंस गए हो। तो उस चुंगल से निकलने के लिए आपको जो नेचुरल रेमेडीज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही आपको बेनिफिट देगी। क्यों, इससे क्या होता है, जो जीईआरडी की प्रॉब्लम होती है, जो एसिड रिफ्लेक्स होता है, ऊपर को जो आपके यहाँ पे हॉट बर्न होता है, ऊपर को जो गैस चढ़ती है, वो क्यों होती है, जो आपका ईसोफेगस में एक स्फिंटर होता है, स्फिंटर का काम क्या होता है, वो टाइटली क्लोज रहता है, तो उस स्फिंटर, जो स्फिंटर होता है जब वो वीक हो जाता है स्फिंटर, तो उसमें जो एसिड है ना वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, वो क्लोज नहीं होता है, जो स्फिंटर है उसकी ओपनिंग जब वीक हो जाती है, तो मेन हम जो अगर जड़ को देखें तो वो स्फिंटर को हमने टाइट करना है, तो उसको टाइट आप बहुत ही सिंपल सी रेमेडी के साथ कर सकते हो, अगर आप उसको ट्राई करोगे ना, फेथ करके एक बार ट्राई जरूर करना, वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आपने ले लेना है, बहुत ही कमाल की चीज है, वो आपके स्फिंटर के ऊपर वर्क करेगा, तो जिससे जो एसिड है ना वो ऊपर नहीं आएगा, स्फिंटर को तो वो टाइट करेगा ही करेगा, साथ में क्या करेगा, जो आपका स्टमक है, स्टमक का जो पीएच बैलेंस होता है, पीएच बैलेंस का ही सारा गेम है, तो वो पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करेगा। जब पीएच बैलेंस आपका सही हो जाएगा ना, तो जो बैड बैक्टीरियाज है वो अपने आप, जब उन्हें खाना नहीं मिलेगा वो अपने आप डाई होना शुरू हो जाएंगे, आपको किसी भी मेडिसिन की, एंटासिड्स की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो आपने क्या करना है, एप्पल साइडर विनेगर ले लेना है, आप जो है ना वो स्टार्ट कीजिए, मदर वाला लेना है, ठीक है, ऑर्गेनिक लेना है आपने, तो उसको आपने क्या करना है, टीस्पून से स्टार्ट कीजिए, वन टीस्पून आप ले लीजिए, वन टीस्पून को आपने जो ऐड करना है एक ग्लास पानी में ऐड कर लीजिए, और सुबह उसको आराम से बैठ जाइए, कोई जल्दी नहीं करनी, आराम से बैठिए, उसको सिप सिप करके धीरे धीरे से आप पिए, तो जब आप उसको रेगुलरली पीते रहेंगे आप देखेंगे धीरे धीरे जो एसिड बनना है, जो ऊपर को आता था वो एसिड आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट रेमेडी आती है, वो नेक्स्ट रेमेडी आती है त्रिफला। त्रिफला बहुत ही अच्छी चीज है, त्रिफला को अपने खाने में जरूर से शामिल करो, रात को सोते वक्त आपने त्रिफला लेनी ही लेनी है, तो आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप त्रिफला लोगे, आप एप्पल साइडर विनेगर लोगे तो आपको खुद ही अपना जो पेट है ना वो हल्का महसूस होगा, आपको भूख भी अच्छी लगेगी, अच्छी भूख लगेगी, क्योंकि जो भूख है वो अच्छी क्यों लगेगी, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक रेट है, वो बढ़ने वाला है इन चीजों से। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस भी आप लीजिए, सुबह लीजिए, पहले आपने ये ले लिया उसके बाद आप एलोवेरा जूस लीजिए। अब एक और चीज आती है, दैट इज बक थॉर्न ऑयल। बक थॉर्न ऑयल को आपने 1 टीस्पून से आप स्टार्ट कीजिए, 1 टेबलस्पून तक आप जा सकते हैं।
इसको भी आपने क्या करना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने एक चम्मच जो है बकथॉर्न ऑयल का लेना है। बकथॉर्न ऑयल को आपने मुंह में रख लेना, उसको निगलना नहीं है, झट से निगलना नहीं है, उसको आप मुंह में रख लीजिए। मुंह में जिस तरह से हम ऑयल पुलिंग करते हैं ना, उसको मुंह में इस तरह से गार्गल करना है, अपने स्लाइवा के साथ अच्छी से मिक्स करना है। जब आपको लगे कि हाँ मेरा मुंह पूरा स्लाइवा से भर गया है, अब इसको और मैं रख नहीं सकती हूँ अंदर, मुंह में नहीं रख सकती हूँ, नहीं तो ये निकल जाएगा, तब आपने उसको अंदर निगल लेना है। उतनी देर आपने मुंह के अंदर उसको रखना है अपने स्लाइवा के साथ मिक्स करके। तो एक तो ये रेमेडी होगी, दिन में आप किसी भी टाइम ले सकते हो बकथॉर्न ऑयल, या आप सुबह ले सकते हो ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, या डिनर से पहले आप ये ले लीजिए। और जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है आपकी प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स लेने बहुत जरूरी होते हैं। जो प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, आपके जो गट फ्लोरा है, जो गट में जो बैक्टीरियाज होते हैं, उन बैक्टीरियाज को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, उनको लाइफ प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोबायोटिक फूड कौन कौन से हैं, उसका हेल्थ बेनिफिट, स्किन बेनिफिट हमारे क्या मिलता है, तो वो वीडियो भी मैंने बना रखी है, उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, वो वीडियो आप जरूर देखें। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो देखेंगे कुछ भी, आपका जो स्किन है ना वो एक आईना होती है, आपका चेहरा ही खुद ही बता देगा कि हाँ मुझे फर्क पड़ना शुरू हो गया है। तो उसके साथ अब जब ये चीजें करते हो तो साथ में जो मैंने डाइट बता रखी है मेलाज़मा की, वो डाइट आप फॉलो कर सकते हो। एल्केलाइन डाइट बता रखी है, आप वो डाइट फॉलो कर सकते हो। जिन लोगों को थायराइड है, थायराइड के लिए भी मैंने चीजें बता रखी है, आप वो डाइट फॉलो कर सकते हो। तो साथ में आप इन चीजों को अगर लेकर चलते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है, आपके चेहरे के ऊपर जितने भी दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।